एवरीवन, माय सेल्फ मीनू एंड वेलकम टू लर्न अस पार्क। तो आज हम बात करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन की इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन कहाँ पे, जो एनिमल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब उनमें क्या है, उनके बॉडी में क्या हो सकता है कि जब क्या हो, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो, कोई इन्वायरमेंट चेंज हो, तो उनमें क्या है, जो सेक्स है बेसिकली मेल है या फीमेल है, वो समटाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे होता है उन एनिमल्स में। तो फर्स्टली एग्जाम्पल है जैसे इन टर्टल्स। टर्टल्स में क्या है, जो क्रिजेमा पिक्टा है, अगर तो उसको इन्वायरमेंट मिला ड्यूरिंग द मेटिंग, जो होता है फर्टिलाइजेशन जब होती है, तब मिला 33 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है, जो यंग वन आएगा वो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। और अगर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के टाइम जो हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उसको टेम्परेचर मिला 28 डिग्री सेल्सियस, तो क्या प्रोड्यूस होगा, मेल। नेक्स्ट है बोनिला में। बोनिला में अगर क्या है, लावा हुआ जो एंटर किया फीमेल बॉडी में, तो तब तो प्रोड्यूस होगा मेल, ठीक है। और अगर लावा अलोन रहा तो तब प्रोड्यूस होगा फीमेल। और स्नेल्स में क्या है, ऑफ्रोथिंग है जो, ऑफ्रिजा है जो, उसमें क्या हुआ, जो मेल है पहले तो जब क्या होते हैं, वो यंग होते हैं तब तो होते हैं मेल, जैसे जैसे क्या होगा लेटर ऑन क्या हो जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल में, ठीक है। सिमिलरली ऐसे होता है हनी बी में। हनी बी में अगर हैप्लॉइड्स है हमारे पास प्रेजेंट, तो क्या होगा, मेल प्रोड्यूस होंगे, अगर डिप्लॉइड्स है तो फीमेल्स। तो इट मींस क्या है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे जैसे वो क्या हुए, बड़े होते गए, चेंज हो गए, ठीक है, या फिर लावा एंटर हुआ है बॉडी में या नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या हुआ डिपेंड करेगा सेक्स क्या होगा उनका, और या फिर उनके हैप्लॉइड्स हैं डिप्लॉइड्स थे। तो ये तो बात थी एनिमल्स की। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स में क्या, जो पहले वाला हमने अभी लिखा हुआ था वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात हम करेंगे ह्यूमन्स में। ह्यूमन्स में हम सबको पता है कि क्या है हमारे पास, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे ही है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर हम नंबर की बात करें तो बेसिकली 46 नंबर है क्रोमोसोम का। अगर उसमें पेयर में से 22 पेयर हैं जो वो क्या है, ऑटोसोम क्रोमोसोम है, जो क्या है बेसिकली सिमिलर होते हैं। 22 पेयर जो है हमारे पास वो सब में क्या है, सिमिलर है, आइदर वो मेल है चाहे वो फीमेल है, 22 पेयर है जो सब में सेम है, सिर्फ जो वन पेयर है वो क्या है, डिफरेंट है क्रोमोसोम का, उसे हम कहते हैं, वो कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये वन पेयर डिफरेंट है, मेल में भी डिफरेंट होगा और फीमेल में भी। अब मेल में क्या है, वो प्रेजेंट है एक्स वाई, और फीमेल में प्रेजेंट है एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या है, इट मीन्स ये हो गया होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक कहां प्रेजेंट है, इन फीमेल्स में, जहां पे क्या है, दो जो पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का वो क्या है, सेम इसमें है, ये फीमेल में। हिट्रोमॉर्फिक कहां पे है, हिट्रो मतलब क्या हुआ, जब क्या है दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है, एक एक्स है एक वाई है, तो मतलब क्या हुआ, वो क्या हुआ हमारे पास, मेल, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज समझ आई। अब होता कैसे है, ऐसे ये चीज प्रेजेंट कैसे हुई, अब हम ये देखेंगे। तो ये चीज कैसे प्रेजेंट है, हमने कहा था कि कितने पेयर है, 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारे पास जो वन पेयर ही था सेक्स क्रोमोसोम का, अब क्या है, जब मीटिंग हुई तो एक क्या हमारे पास, ये फीमेल प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि मदर प्रेजेंट है, और ये क्या है, मेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने जेनेटिक्स में जब क्या किया था, मेंडल ने प्लांट किया था, उसका टॉल और ड्राफ्ट का जब निकाला था कि उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे कैसे होंगे, वैसे हम इसका देखेंगे जो चाइल्ड है, जो प्रोजनी नेक्स्ट आएगी वो कैसे होगी, ठीक है। तो इस साइड लिख लिया इसके फीमेल के एक्स एक्स, इस साइड हो गए जो मेल के थे, तो वैसे नीड स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो चाइल्ड कैसे होंगे, फर्स्ट है जो दोनों एक्स एक्स मतलब गर्ल्स, इस वाले में मतलब मेल हो गया, ये गर्ल्स के लिए, मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी इक्वल है, चाहे क्या हो, गर्ल्स हो मेल्स हो या फिर फीमेल्स हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो रेशियो है प्रोबेबिलिटी है आने की वो क्या है, 50-50% है, आइदर वो मेल है या फीमेल है। तो इस तरह से होती है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। तो मैं होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।